मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी थे, उन्होंने 10 साल में मध्य प्रदेश को बंटाधार किया था, बर्बाद किया था, बिजली नहीं, सड़क नहीं, पानी नहीं, स्वास्थ्य नहीं, शिक्षा नहीं। और 15 साल में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से विकसित राज्य में लाए, जहां 2990 मेगावाट बिजली थी उसको 18,000 मेगावाट से अधिक करके सरप्लस कर दिया। आत्मनिर्भर 24 घंटे अब गांव और शहर में बिजली मिल रही है। सिंचाई जहां 7.5 लाख हेक्टेयर थी आज 42 लाख हेक्टेयर से अधिक है और 50 लाख गांव भी कर देंगे। सड़क नाम की कोई चीज नहीं थी, सड़क में गड्ढा के गड्ढे में सड़क गड्ढम गड्ढा था, उसको शिवराज सिंह जी ने बढ़िया सड़कें बना के कर दी है। और कमलनाथ जी 15 महीने मुख्यमंत्री रहे, जितना बर्बाद मध्य प्रदेश को दिग्विजय सिंह ने 10 साल में किया इन्होंने 15 महीने में कर दिया। और सबसे बड़े झूठे ले, जनता से वचन दिया था कि 10 दिन के अंदर मुख्यमंत्री बनते से ही, सरकार बनते से हम कर्जा माफ कर देंगे 2 लाख तक का, नहीं किया। और अब बड़ी बेशर्मी से, ये इतने बेशर्म है, इनको शर्म ही नहीं आती जनता के सामने झूठ बोलने में कि हमने 2 लाख तक का कर्जा माफ कर दिया, फ्लेक्स लगा दिया, 200 करोड़ रुपए खर्च कर दिया विज्ञापन पे। इनके पास गरीबों के लिए, अंत्येष्टि के लिए पैसा नहीं। इनके पास दुर्घटना में कोई गरीब की मृत्यु हो जाए तो शिवराज जी की सरकार, भाजपा सरकार 4 लाख देती थी वो बंद कर दिया। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में विवाह होते थे वो बंद कर दिए। पंचायतों के विकास के कार्य 15 महीने में बंद हो गए, 1 रुपए का काम नहीं, सरपंच और पंच सब फुर्सत हो गए, कहीं कोई विकास का कार्य नहीं किया। और ये रोते रहते थे, खाली खजाना छोड़ गए, खाली खजाना छोड़ गए। लेकिन कमलनाथ जी जरा जवाब दो कि इंदौर में आईफा अवार्ड करने के लिए 700 करोड़, हीरोइन के साथ फोटो खिंचवाने के लिए समय तुम्हारे पास, और किसानों के लिए जब हम विधानसभा में मामला उठाते थे कि गांव में जाओ हेलीकॉप्टर है आपके तो खुद के हैं, तो बोलता मेरे पास समय नहीं है, करते क्या हो भाई, महल में बैठ के वल्लभ भवन में बैठ के। वल्लभ भवन को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया था, दलालों का अड्डा, दिन भर वसूली करने के अलावा लूटने के अलावा कोई काम नहीं था। और इसलिए 15 महीने में तुमने खुद अली बाबा और 40 चोर की कहानी सिद्ध कर दी। कल लूटे जो आज लूट, आज लूटे सब पल में सरकार चल जाएगी, बहुरे लूटेगा कब। इसलिए 15 महीने लूटने में लगे, जनता की सेवा नहीं की, विकास नहीं किया। और अब तुम किस मुंह से बोल रहा हो, तुमने किसानों का कर्जा माफ नहीं किया 2 लाख तक, धोखा दिया किसानों को। तुमने महिलाओं को कहा था कि जितनी भी महिला स्वयं सहायता समूह का, चाहे सरकारी बैंक हो या प्राइवेट बैंक हो, सब कर्जा माफ कर देंगे, किया गया 1 रुपये भी। आपने कहा था युवाओं को रोजगार देंगे, बनते से ही नहीं तो बेरोजगारी भत्ता दूंगा 4,000, दिया किसी एक को भी? किस मुंह से बोल रहे हो विकास की बात? रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry ready professionals. Join India's premier skill based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।